वेलकम टू द न्यू ब्लॉग गाइस। एक्सीडेंट हो चुका है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछले ब्लॉग में बताया था एक्सीडेंट हो गया था, उसकी कुछ क्लिप्स अटैच कर रहा हूँ। अब तो खैर काफी रिकवरी हो गई है, चोट वगैरह भी सूख चुकी है। अगर आप यहाँ देखें तो ये बची है मेनली घुटने की चोट, आज फिर से छिल चुकी है और ऑलमोस्ट 15-17 दिन ऑलमोस्ट गुजर चुके हैं। ये एक्सीडेंट हुआ था 17 या 18 को शायद, जुलाई ना, जो फ्लैश पे आ गया, ये उस दिन की बात है। पता नहीं क्या क्या हुआ है। वैसे मैं फटी जीन्स नहीं पहनता हूँ, लेकिन आज फटी है ये खुद से ही, तो धीरे जा रही है स्कूटी। लग तो ऐसा रहा है कि अंदर चेस्ट वेस्ट भी छिल गई है, लेकिन चेस्ट कैसे छिल सकती है? अच्छा हुआ क्या वो बाद में बताऊंगा, पहले हॉस्पिटल चले तो जाऊं। इट्टी साली टूट चुकी है, वेरी गुड, कुछ आ ही नहीं रहा है, सेल्फ स्टार्ट भी नहीं हो रही है और हॉर्न इंडिकेटर का बटन टूट चुका है, ये नहीं चल रहा है, ये पता नहीं क्या उखड़ गया है, मतलब हालत खस्ता हो चुकी है। अब मज़ा आ गया और हम खड़े हैं हॉस्पिटल के बाहर। चलो चले मिलवा हॉस्पिटल की रहूँ मैं, अरे डिक्की में हेलमेट तो डालूँ। अच्छा डिक्की में ऑलरेडी सामान पड़ा है, यहाँ क्या क्या हुआ इसमें, ऐसा साइडों में तो नहीं हुआ, जूते फट चुके हैं, कल ही लाया था। हॉस्पिटल आ जाते हैं, अगर इसके बाद कोई स्वेलिंग वगैरह आती है इसमें। हाँ। तो गाइस हुआ ऐसा था कि रोड जो था, मैं रोड के एकदम राइट साइड में था और लेफ्ट साइड पे एक बाइक वाला था जिसकी बाइक ख़राब हो गई, तो रुक गई थी। उसे एक्चुअली साइड में लेनी चाहिए थी बाइक, लेफ्ट की तरफ जहाँ पेडेस्ट्रियंस चलते हैं, लेकिन उसने क्या किया, बाइक को राइट ले लिया। उसके पीछे पीछे एक स्कूटी वाला आ रहा था, मैं एकदम एक्सट्रीम राइट पर था और यहाँ पर उसके साथ साथ एक स्कूटी वाला चल रहा था, उसने बाइक ऐसे की तो मुझे समझ में आ गया था ये गिरने वाले हैं। मैं इनसे काफ़ी पीछे था तो ये गिरे और वो स्कूटी वाला पलट के गिरा और उसके बगल में जो स्कूटी वाला था वो उससे पलट के गिरा और उसकी स्कूटी ऐसे आ गई टकराने के बाद यूँ, और यहाँ तो मैं था थोड़ी सी डिस्टेंस पे आगे स्कूटी गिरी भी थी, अब ब्रेक भी नहीं लगा सकते, स्पीड थोड़ी अच्छी थी तो काट दी तो फिर स्कूटी से टकरा के मैं भी पलट गया और स्कूटी तो टूट फूट गई आपने देखा, और जिस हिसाब से स्कूटी टूटी फूटी और जिस स्पीड में एक्सीडेंट हुआ था उससे ज़्यादा चोट लग सकती थी, और ऐसा भी हो सकता था पीछे से कोई गाड़ी आगे चढ़ जाती, तो मैं सबसे पहले उठ के रोड के किनारे में भागने की कोशिश कर रहा था कि कुछ पीछे से आके मेरे ऊपर ना चढ़ जाए। तो उस हिसाब से मेरे को चोट काफ़ी कम लगी और रिकवरी भी अच्छी हो चुकी है, तो इसी वजह से चैनल पर कंटेंट नहीं आ रहा था कुछ टाइम से, और आप सभी के सपोर्ट के लिए धन्यवाद। और फिर कुछ नहीं हुआ, फिर गिरने के बाद उठने के बाद लोगों ने मुझे थोड़ा संभाला और फिर मैंने फ़ोन किया था इस शख्स को। Hey guys, welcome to the new vlog. ये बेकार हो गया। Hey guys, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी, एंटरटेनमेंट हो गया इनका तो फ्री का एक्सीडेंट देखने को मिला गाइस, सबको नहीं मिलता, सबको नसीब नहीं होता, तो होना भी नहीं चाहिए पहली बात तो, ये पागल हो नहीं तो आप बड़े नसीब वाले हैं गाइस। 1 like equals to 1 prayer और 1 share equals to 10 prayers शेयर भी कर दें, करो लाइक भी करो और हमें ब्लेसिंग्स दो। वैसे तो मैं ठीक हो गया हूँ, लेकिन फिर भी और जल्दी रिकवरी हो जाएगी ना। बिल्कुल, तो इस व्लॉग का यहीं एंड करते हैं।